लॉकडाउन के समय हर एक तक भोजन वितरण के लिए शहर की अनोखा समाज सेवी संस्थाएं आगे आई है, जो वितरण कर सेवा कार्यों को अंजाम दे रही है। पावर हाउस रोड स्थित लायंस हॉल में शहर की सामाजिक संस्थाएं संयुक्त रूप से भोजन तैयार करने में जुटी है। टीम में 15 से अधिक लोग निर्माण में लगे हैं। वहीं करीब 50 लोग ऐसे हैं जो अपने दुपहिया वाहन पर सवार होकर सड़क किनारे या अन्य स्थानों पर बैठे लोगों तक दोनों समय का भोजन वितरण कर रहे हैं। सब्जी, रोटी या पूड़ी, अचार और सेव के साथ पैकेट में पानी का पाउच भी रखा जा रहा है। भोजन निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है। पैकेट निर्माण करने में भी 5 से 10 स्वयं सेवक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर समय सब्जी बदली जाती है, वहीं जो भी व्यापारी सामग्री देता है उसे गुणवत्ता युक्त ही लेते हैं। भोजन तैयार करवाने में लगे सदस्य ने एन टाइम्स को बताया। अभी जो कोरोना के जो संक्रमण चल रहा है उसके अंदर हमारे रतलाम के विभिन्न सामाजिक संस्थान, जिसमें लायंस क्लब, सेवा भारती, रोटरी प्राइम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जीटो और रोटरी के विभिन्न जो संगठन है उन संगठनों के साथ में मिलकर हम लोग करीबन यहाँ पर 750-700 पैकेट्स सुबह और 500 पैकेट शाम की वो वितरित करने की व्यवस्था कर रहे हैं। और इसमें कंटिन्यूशन में हर रोज़ कुछ न कुछ बढ़ोतरी हो रही है। और इसमें करीबन हमारे 30 से 35 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, जिसमें 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो कि हमारे पैकिंग का कार्यक्रम कर रहे हैं। बाकी करीबन 7 टीम जो ऐसी है जो रतलाम के क्षेत्र के विभिन्न एरिया में अपने टू व्हीलर पर जाकर सामान भोजन वितरित कर रही है। इसमें हमने हमारा क्लब की तरफ से और सभी संगठन की तरफ से कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी करे हैं, जो हमारे व्हाट्सएप पे हम पूरे रतलाम भर के जितनी भी संस्थाएं उनके व्हाट्सएप जो ग्रुप बने हैं उसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, जिससे लोग हमारे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो एक्चुअली हमारा जो नंबर से ये खाली जो हमने काउंट करे, लेकिन एक्चुअली क्या है, कंटिन्यूशन में माल बन रहा है और जाता जा रहा है। दिन भर काम चल रहा है और जितने लोगों की डिमांड आती जा रही है उस हिसाब से हम माल देते जा रहे हैं। ये नंबर्स जो है ये तो खाली जो हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग से हमने डिस्ट्रीब्यूट करे वो है, बाकी दिन में भी कंटिन्यूशन में डिमांड आ रही है और हम डिमांड के हिसाब से सप्लाई करते जा रहे हैं। इसी तरह कुछ समाज सेवी घरों से ताज़ा भोजन पैकेट एकत्रित कर वितरण कर रहे हैं। इस व्यवस्था से यह साफ है कि कोरोना की जंग में कोई भूखा नहीं रहेगा। भोजन वितरण कर रहे युवा ने बताया, भोजन का पैकेट दे देना है, चांदनी चौक के अंदर बैठा हुआ है। क्या नाम है आपका? अजय सिंह चौहान, मित्र मंडल। मित्र मंडल, ये खाना कब से बांट रहे हो? ये सर आज से स्टार्ट किया सर, अभी रोज बांटेंगे। कितने लोगों का? अभी तो 50 आदमी का सर, आप देखेंगे 50 आदमी का। क्या खाना है? 50 पैकेट है सर। क्या देते हो? पूरी सब्जी, रोटी वगैरह सभी। तो ये कहाँ बनवा रहे हो? ये अपने इंदिरानगर में, घर घर में। आप बनवाते हो कि घर से कलेक्शन? घर से कलेक्शन करना बनवाते। तो बांटने कहाँ जाते हो? बांटने सर अपने गरीब लोग, आदमी जो भी जो मिल जाए अपने। बाईस मार्च रविवार को जनता कर्फ्यू के साथ शुरू हुआ कोरोना वायरस से बचाव पर हमला 29 मार्च रविवार को एक हफ्ता लॉकडाउन के साथ पूरा हुआ। लॉकडाउन का रास्ता लंबा है क्योंकि मंजिल दूर है, लेकिन घरों में कैद नागरिक अपनी जीत की मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। शहर में लॉकडाउन का लगातार असर देखा जा रहा है, चप्पे चप्पे पर सन्नाटा पसरा पड़ा है। महू रोड स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बस स्टैंड के ये नज़ारे देखिए, हर तरफ सन्नाटा पसरा पड़ा है। बस स्टैंड पर बैठे ये युवा श्रमिक है जिन्हें अपने घर पर मुरैना जाना है, लेकिन जाने का कोई साधन नहीं होने से बस स्टैंड पर ही इंतजार कर रहे हैं। शहर की समाज सेवी संस्थाएं इन्हें भोजन के पैकेट तो दे गई है। इन श्रमिकों का कहना है कि यदि जाने की कोई व्यवस्था नहीं हुई तो ये रुकते रुकते पैदल ही निकल जाएंगे। एक सुखद पहलू तो यह है कि प्रशासनिक अमले की सतर्कता और जनता के सहयोग से शहर कोरोना महामारी से अछूता ही है। जिला अस्पताल में अब तक जितने भी संदिग्ध पहुंचे हैं किसी की भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है। आरएमओ डॉक्टर दिवेकर ने एएन टाइम्स को बताया कि अभी तक एक भी केस पॉजिटिव नहीं है। हम करीब 8-10 सैंपल भेज चुके हैं और ऐसा कोई पॉजिटिव केस हमें अभी एक भी नहीं मिला। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारे पूरे डॉक्टर्स तैयार हैं, हमारा पूरा हेल्थ वर्कर बिल्कुल तैयार है। अच्छा, कितने पेशेंट यहाँ आइसोलेट किए हुए हैं अभी? अभी करीब 10 पेशेंट है। क्या स्थिति है उनकी सर अभी? अच्छे अच्छे हैं। ताल की गोविंद गौशाला के गोडाउन में अचानक आग लग गई। आग से गायों के लिए रखा चारा जलकर स्वाहा हो गया। आग पर काबू नगर पंचायत की दमकल से पाया गया।
घटना आज सुबह की है। ताल में स्थित गोविंद गौशाला के गोदाम से अचानक धुआं निकलते देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस थाने पर दी। सूचना पर ताल पुलिस ने नगर पंचायत के फायर ब्रिगेड अमले को सूचित किया। वहीं नागरिक भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए थे। सभी ने आग बुझाने में मदद की। नगर पंचायत के दमकलों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना महामारी में नागरिकों से मदद की अपील किए जाने के बाद अब लोग अपने स्तर पर मदद के लिए आगे आने लगे हैं। शहर एवं गांव में कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोग अब मास्क निशुल्क वितरित कर रहे हैं। गांव में तो महिलाएं मास्क बनाकर वितरित कर रही हैं। रतलाम शहर में जारी लॉकडाउन के दौरान मिल रही छूट में घर से बिना मास्क के बाजार में निकल रहे लोगों को आज नागरवास के युवाओं ने निशुल्क मास्क बांटे। इन युवाओं ने 2 घंटे में करीब 200 से ज्यादा लोगों को मास्क वितरित किए। इसी तरह से गांव दंतोड़िया की महिलाएं भी अपने गांव को बचाने के लिए आगे आई हैं। इन महिलाओं ने अपने स्तर पर मास्क बनाकर गांव में वितरित किए हैं। इन महिलाओं का सहयोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सपना रानी गोयल, सहायिका रामकन्या पांचाल भी कर रही हैं। ये महिलाएं गांव से बाहर जाने वाले लोगों को मास्क लगाकर जाने की सलाह भी दे रही है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन में व्यवस्था जमाने में ड्यूटी पर जुटे पुलिस जवानों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। लगभग 100 से अधिक पुलिस जवानों का पहली खेप में चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण उनके द्वारा दी जा रही लगातार ड्यूटी को देखते हुए किया गया। रतलाम में लगभग 1500 से अधिक पुलिस बल तैनात है। इनमें से जो पुलिस चेक पोस्ट पर तैनात है उन जवानों का सबसे पहले स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। यह व्यवस्था पुलिस महानिदेशक के आदेश पर पुलिस जवानों को कोरोना के संक्रमण के शिकार होने से बचाने के लिए शुरू की गई है जो लगातार जारी रहेगी। रतलाम में देखा जाए तो लगभग 1500 का पुलिस फोर्स है जो कि इसमें न सिर्फ जिला बल बल्कि SAF होमगार्ड सैनिक भी शामिल हैं। और माननीय DG सर के ऐसे निर्देश हैं कि अपने पुलिस के जवानों को किसी प्रकार की समस्या ना आए, किसी भी तरह से वो संक्रमण के शिकार ना हो, इसलिए उनकी रेगुलर चेकिंग हो। इसमें जो पुलिस बल हमारा लगा हुआ है, कई लोग तो नाकों पर लगे हुए हैं, कई लोग थानों पर हैं, कई लोग सिटी में पेट्रोलिंग में लगे हुए हैं, तो इसमें जो खासतौर से नाकों पर लगे लोग हैं जो कि बाहरी लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, वहाँ DG सर के निर्देशानुसार हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया है कि वहाँ कोई व्यक्ति 45 साल से अधिक उम्र का न हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो नाकों पर लगे लोग हैं इनको वहीं नाके के आसपास ही इनके खाने की व्यवस्था हो, और जब वो ड्यूटी से निकल रहे हैं तो वहीं पर वो स्नान करना, उनके कपड़े धुलने की व्यवस्था वहीं पर की गई है, और ताकि वो अपने परिवार के पास जब जाएँ तो वो किसी प्रकार से उनके संक्रमण के शिकार न हो। तो भी पिछले दिनों काफ़ी दिन टाइम से जो बल लगा हुआ था उनके परिजनों की कल पुलिस लाइन में SAF के जवानों के परिजनों की सबकी चेकिंग की गई है, और सभी क्वार्टर्स में जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है उसका छिड़काव भी किया गया है ताकि उनके परिजनों भी सुरक्षित रहें। और हम लोग का DG सर के निर्देशानुसार यही लक्ष्य है कि किसी प्रकार से पुलिस के जवान जो हैं वो इसके संक्रमण के शिकार न हो। IG सर भी रेगुलर इसको मॉनिटर कर रहे हैं और इसमें सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। जवान कितने लगे हुए हैं? जैसे अभी तो अपने पास जो जिला बल है, इसके अलावा करीब 200 लोग ऐसे हैं जो कि PTS से आए हैं, जिनकी पदस्थापना विभिन्न जिलों में है, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के हैं, जो PTS में ट्रेनिंग में थे उनको पूरा भेजा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो SAF का है बल, वो भी अपने पास एक कंपनी एक्स्ट्रा मिली है जो भी बाहर के जिलों की है, तो इस तरह कई जिलों के फोर्स यहाँ लगे हुए हैं। और पूरे जवान जितने भी हैं A to Z 100%, चाहे किसी भी उम्र के हों, उन जो थानों पर, चौकियों पर, नाकों पर लगे हुए हैं, कार्यालयों में लगे हुए हैं, उनका परसों से स्क्रीनिंग चल रहा है। न सिर्फ जवानों का बल्कि उनके परिजनों का भी चेकिंग किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से वो संक्रमण का शिकार न हो। रतलाम जिले के पिपलोदा में लॉकडाउन के दौरान अधिक मूल्य पर वस्तुएं बेचकर कालाबाजारी कर रहे दुकानदार के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पिपलोदा नगर में पुराना बस स्टैंड पर एक किराना दुकानदार दाम से अधिक रुपए लेकर सामान बेच रहा था। शिकायत मिलने पर तहसीलदार मैं अमले के साथ पहुंची और कार्रवाई की, किंतु दुकान को सिलना करते हुए केवल ताला लगाकर छोड़ दिया। इस दुकानदार की शिकायत पिपलोदा के ही एक नागरिक ने फोन पर जिला प्रशासन को की थी।